गुड आफ्टरनून, मैं मनोज हीलियोस कोचिंग शिमला से आपको एचपीएससी सेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लास्ट मिनट टिप्स कुछ देना चाहता हूँ। जिस तरह से जैसे कि आपने ट्रेंड देखा होगा, एचपीएस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों का, 35 to 40 क्वेश्चंस आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आते हैं, जिसमें हमारे कुछ मेन टॉपिक्स रहते हैं एजेस, ट्रेन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। ओके, और नेगेटिव मार्क्स का आपको जैसे पता होगा कि 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग है। हमको किस वे में इसको डील करना है, एक हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। हमको आंसर से क्वेश्चन के मैक्सिमम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है, और सिमिलर चॉइसेस, जैसे कि सिमिलर चॉइसेस हमारी रहती है डेसिमल पॉइंट्स में, सिमिलर चॉइसेस हैं उसमें हमको क्या करना है, सिमिलर चॉइसेस दो ऑप्शन में अगर सिमिलर चॉइसेस हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी आंसर की क्या है, दो। हम दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए और प्रोबेबिलिटी बची है दो। एलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं 2x + 3y = 7, x + 4y = 3, इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमको क्या करना है, एक बार x को 0 और एक बार y को 0 पुट करके दो पॉसिबल आंसर निकाल लेने हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, एक बहुत पहले से एक ट्रेंड चल रहा है मैक्सिमम जीरोस। जिस ऑप्शन में मैक्सिमम जीरोस होगी वो आपका आंसर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। कुछ क्वेश्चन आते हैं रेशो टाइप में, फॉर एग्जाम्पल हमारे को रेशो दे रखे हैं, ए और बी का रेशो दे रखा है 5:7, तो हमारे जो आंसर होंगे, अगर हमको ए का पूछ रखा है तो आंसर होगा टेबल ऑफ 5 में, और बी का अगर पूछ रखा है तो वो आंसर होगा टेबल ऑफ 7 में। ओके, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, एजेस ऑफ 2 persons आर इन द रेशो 5:7, इसका मतलब हमारा आंसर टेबल ऑफ 5 और टेबल ऑफ 7 में होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 35, 40, 25, 45 टेबल ऑफ 5 में है, 49, 56, 35, 63 टेबल ऑफ 7 में है। इसके बाद एक ऑप्शन दे रखा है आफ्टर 14 years, हमको क्या करना है, फटाफट 35 को भी 49 लेके जाना है, 35 + 14 = 49, 49 + 14 = 63, पहले से चेक करना शुरू कर देना है, 49 7 के टेबल में आता है और 63 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब हमारे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसको आप यहां पे सॉल्व देख सकते हैं, इस तरह से हमारे तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एलजेब्रा का हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, 49 + 21² + 49 - 21² / 49² + 21², इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी हमारे पास यहां पर साइन पॉजिटिव हो तो आंसर 2 होगा, अगर साइन नेगेटिव हो तो आंसर 4 होगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास 70 और 28 एलिमिनेट हो गए हैं डायरेक्टली। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। जैसा कि आपको पता होगा मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 200, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज टेकन एज 250 इंस्टेड ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन 50, द करेक्ट मीन इज गिवन बाय, तीन ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आपको क्या करना है, जो हमारे पास रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसको नेगेटिव लिखना है जैसे कि यहां लिखा है, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन को पॉजिटिव लिखना है। -250 + 50 - 200 का गैप है कितनी ऑब्जर्वेशन में, 100 ऑब्जर्वेशन में, 100 ऑब्जर्वेशन में -200 का गैप, इट मींस एक ऑब्जर्वेशन में -2 का गैप। हमको पूछा है करेक्ट मीन, तो 100 का था 200, -2 का फर्क पड़ने पे आंसर आ गया 198। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ट्रेन्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन कंफर्म्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 6 AM एंड रीचेस चंडीगढ़ एट 1 PM, सेकेंड ट्रेन लीव्स चंडीगढ़ एट 8 AM एंड रीचेस दिल्ली एट 1 PM, मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स एंड विद कॉन्स्टेंट स्पीड एट व्हाट टाइम वुड दे मीट। इसमें हमको डिस्टेंस नहीं दे रखा है, हमको मीटिंग पॉइंट बताना है कि किस टाइम पे वो मिलेगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 9:15, 10:05, 10:55 पर। इसमें हमको क्या करना है, टाइम का, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हमको टाइम के स्लॉट देखने हैं, 6 बजे चली 1 बजे पहुंची 7 घंटे लगे, 8 बजे चली 1 बजे पहुंची 5 घंटे लगे, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, वो हमने अज्यूम्ड डिस्टेंस ले लेना है, मानना है हमको कि 35 हमारा डिस्टेंस है, 35 डिस्टेंस आ गया, 7 घंटे में 35 स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर,
दूसरा 5 घंटे में 35, स्पीड आ गई 7 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि आपको टाइम का फॉर्मूला पता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 35 था, लेकिन रेस फेयर नहीं थी। रेस फेयर कब होती? अगर ये 8 बजे चला होता, ये भी 8 बजे चला होता, या फिर हमको इसको 6 बजे चलाना पड़ेगा। तो अगर हम बी ट्रेन को 6 बजे चलाना है तो हमको इसको 2 घंटे की एडवांटेज देनी पड़ेगी। 1 घंटे की एडवांटेज होगी 7 किलोमीटर, 2 घंटे की एडवांटेज होगी 14 किलोमीटर। 35 + 14 बन जाएगा 49 किलोमीटर। इसका मतलब हमारा जो अज्यूम डिस्टेंस है वो 49 और स्पीड का एडिशन हो जाएगा 12। इसका मतलब आंसर होगा 49/12। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्सीमेट 4:1/12 आवर्स, 4 आवर्स कंफर्म्ड हो गए हैं। इसका मतलब 6 के बाद 4 घंटे, 10, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए ए और बी, और 1/12 घंटे, 1/12 एक घंटे में 60 मिनट, 60/12 5 मिनट, 5 मिनट यहां पर ऑप्शन है। इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 10:05। इसलिए आपको एलिमिनेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए, जिससे आपका क्या होगा, 2 से 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो सकते हैं। थैंक यू।